सो हाई किसको मैच में सूरज आप इनके से सपोर्ट। आज के मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंपोर्ट योर कंटेंट। अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, सपोज करिए ब्लॉगर के कोई भी कंटेंट को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस में, या फिर सपोज करिए कोई भी ऐसा कंटेंट आप यूज़ करना चाहते हैं जिसका आपने ऑलरेडी जो है कि बैकअप लेके रखा है और उसको जो है कि यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस साइट में कॉन्टेंट को, तो किस तरीके से आप उस जो भी पोस्ट है जो भी कॉन्टेंट है उसको कैसे आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करना है, देखिए उसके लिए कोई भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप विदाउट प्लगइन के आप ये काम कर सकते। चलिए बात करते हैं कैसे होगा, किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पोस्ट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कितने पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो कि आप इसको इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे टूल्स पे आना और टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स नहीं, ऑलरेडी ये अवेलेबल होता है टूल्स। और ये टूल्स पे जैसे आप आते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपोर्ट का आपको जो कि यहाँ पे टैब मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है इंपोर्ट पे सिंपली। और जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं जो भी कंटेंट आपने जो कि यहाँ पे इंपोर्ट करना है उसको सिंपली क्या करना है, सपोज करिए यहाँ पे देखिए ये ब्लॉगर का है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगर के लिए। अगर आपने ब्लॉगर पे कोई भी अकाउंट कंटेंट जो भी यहाँ पे रखे हैं जो भी पोस्ट है इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं ब्लॉगर के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि यहाँ पे वर्डप्रेस के कॉन्टेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर ब्लॉगर का आप कॉन्टेंट यहाँ पे लेना चाहते हैं वर्डप्रेस पे तो सिंपली ये वाले प्लगइन को आपको जो कि इसको आपको ये प्लगइन नहीं है आप एक्चुअल में देखेंगे तो, लेकिन इसको आपको एक्टिवेट करना होगा। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, इसको क्या करना है इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी आपका ये ब्लॉगर का कंटेंट है वो जो कि .html फाइल में होता है उसको जो है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो हम वर्डप्रेस से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और ये वाले ही हमें प्लगइन चाहिए अगर हम बात करें तो। और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं वैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाता है देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम करेंगे रन इंपोर्टर। अब जैसे आप रन इंपोर्टर पर क्लिक करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी कंटेंट आपने वर्डप्रेस से इंपोर्ट करके रखा है उसकी फाइल को यहाँ से क्या करना होता है, चूज़ करना होता है। जैसे आप उस फाइल को चूज़ करते हैं यहाँ से, जैसे चूज करेंगे उसके बाद जहाँ भी आपने वो फाइल डाउनलोड करके रखी है वर्डप्रेस की उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये वाली मेरी फाइल है जिसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, इसको सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे जिसका बैकअप मैंने लेके रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने बैकअप ले रखा है, तो सिंपली क्या करूँगा इसको यहाँ पे ओपन कर दूँगा। जैसे आप ओपन करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल, तो ये अपलोड फाइल पर क्लिक कर देना और ये ऑटोमेटिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कॉन्टेंट है नहीं। और जैसे मैं इसको जो है कि यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑथर पूछता है कि कौन सा ऑथर जो कि रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट ऑथर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑथर को जैसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए डाउनलोड एंड इंपोर्ट अटैचमेंट ये भी है वो सारी चीज़ें, तो इसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सिंपली जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद सारी आपकी डेटा है जो भी सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर देता है। तो ये देखते हैं ऑल डन यहाँ पे बता रहा है हैव फन, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंपोर्ट करके दे दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट में आना है, पोस्ट में आएंगे तो जो भी पोस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे पोस्ट जो है कि यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सो गाइज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले तो कोई भी यहाँ पे पोस्ट नहीं था, यहाँ पे सिंपली ये वाला पोस्ट था, आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड जो कि सबके पास होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा प्लगइन्स भी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे है और बाकी सारी कोई भी यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे जो पोस्ट हैं अभी के अभी पोस्ट इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको दिखाया। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी, हम लेकिन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।